हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्लास फाइव। आज मैं हिंदी में क्लास फाइव के हिंदी के पाठ्यपुस्तक से पहला पाठ आप लोगों को पढ़ाऊंगी, जो है कांटों में राह बनाते हैं। एक कविता है। इस कविता का भाव कुछ इस प्रकार है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित तो होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। यह सच है कि मनुष्य के जीवन में विपत्ति आती है और डरपोक इंसान जो होता है उसी को दहलाती है। सुरवीर जो होते हैं उस विपत्ति से विचलित नहीं होते और अपना धीरज नहीं खोते हैं, उन विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में भी राह बनाते हैं। कहने का मतलब कि कठिन परिस्थिति में भी उनसे लड़ते हैं और उसमें कोई ना कोई उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। ऐसा कोई विपत्ति और कोई परिस्थिति कठिनाई ही नहीं है जो इंसान के जीवन में लंबे समय तक टिक सके। जब इंसान उससे डटकर मुकाबला करता है तो अच्छे से अच्छे विपत्तियों से भी का भी सामना कर लेता है। आगे है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुड़ बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बिचू जियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। ऐसा कोई गुड़ नहीं है जो मानव के भीतर नहीं है। अपने गुड़ों को पहचानना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम बत्ती नहीं जलाएंगे तो अंधियारे से जो अंधेरा है उससे हम जीत नहीं सकते, रोशनी नहीं पा सकते। तो इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, हमें उन कठिनाइयों से डटकर भयभीत नहीं होना चाहिए बल्कि उनका धैर्यपूर्वक डटकर सामना करना चाहिए। तो इस कविता को आप लोग बढ़िया से याद कर लेंगे और कॉपी में लिख लेंगे, फिर इसका नोट्स मैं भेज दूंगी, उसको अपने कॉपी में बना लेंगे साफ और सुंदर अक्षरों में।